अगली खबर में आपको दिल्ली में ईडी कार्यालय के बाहर हुए प्रदर्शन के बारे में बताते हैं। राहुल गांधी से नेशनल हेराल्ड मामले में वित्तीय जांच एजेंसी पूछताछ के बीच दिल्ली पुलिस ने सोमवार को हल्का बल प्रयोग किया और राष्ट्रीय राजधानी में ईडी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को हटा दिया। इस दौरान ईडी का घेराव करने रायपुर से दिल्ली पहुंचे छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मौके पर सीएम भूपेश ने केंद्र पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सेंट्रल एजेंसीज का दुरुपयोग कर रही है, अपने लोगों को बचाने का काम किया जा रहा है, केंद्र विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी दबने वाली नहीं है। भूपेश बघेल ने कहा, सोनिया गांधी जब ईडी के सामने पेश होंगी तो इससे भी बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। दिल्ली पुलिस चाहे कितनी भी बैरिकेटिंग लगा ले और कितना भी प्रयास कर ले, सत्य की जीत होगी। उन्होंने केंद्र पर हमला बोलते हुए कहा, कानून का राज कहाँ है, तानाशाही हो रही है। बता दे कि राहुल गांधी से नेशनल हेराल्ड मामले में वित्तीय जांच एजेंसी पूछताछ को लेकर कांग्रेस देशव्यापी प्रदर्शन कर ईडी ऑफिस का घेराव कर रही है। इस प्रदर्शन में शामिल होने छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, मंत्री टीएस सिंहदेव सहित कई दिग्गज नेता दिल्ली पहुंचे हैं। इधर रायपुर में भी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम की अगुवाई में पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता ईडी ऑफिस का घेराव कर रहे हैं। इस दौरान पुलिस ने ईडी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं के साथ हल्का बल प्रयोग किया और कई कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है। Never.